हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस के, जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2018 का शिफ्ट थर्ड का है। तो आप पढ़ाई कितना भी कर लो, अगर आपको एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 100 तक होगा, तो शुरू करते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 50 से। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जैसे कक्षाएं चार होती हैं, के, एल, एम और एन। तो इसमें दो होती है के में, एल में 8 होती है, एम में 18 होती है और एन में 32 होती है। अब ये कैसे होती है इसको ही समझ लीजिए। ये 2n² एक फार्मूला होता है, 2n² यहाँ पर 2 × n के जगह पर पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एन के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। दूसरा में पूछेगा तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 × 8 हो जाएगा। दूसरा में 8 आ रहा है। तीसरा का पूछेगा तो 3 रखेंगे तो 3 × 9 = 18। तो इस प्रकार से होता है। तो चलिए, आज के इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे, आगे नेक्स्ट पर चलता हूँ। नेक्स्ट है कि भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग राक के वर्तमान निदेशक कौन है। तो राक के वर्तमान निदेशक जो है कौन है ये बताना है। तो जब उस टाइम पे ये आज ये सुमंत जो है, इसमें ऑप्शंस में नहीं है, वो सामंत गोयल जी हैं। तो इसका राक के अध्यक्ष सामंत गोयल जी हैं। कौन है? सामंत गोयल। और अजीत डोभाल क्या है? अजीत डोभाल क्या है? NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अध्यक्ष है। NSA का जो है इसके ये अध्यक्ष है। ये खुफिया पहले विभाग थे, भारत के खुफिया विभाग के काम करते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को हम संवेदिक अभिग्राहक कहते हैं, यानी संवेदिक अभिग्राहक कहते हैं कि रासायनिक अभिग्राहक कहते हैं, घ्राण अभिग्राहक कहते हैं कि रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रसवेदी संग्राहक। इससे क्या होता है कि हमको जीभ से स्वाद का पता लगता है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा रसवेदी अभिग्राहक। ठीक, नेक्स्ट है 53 नंबर कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कैपिटल जी के मूल्यों की खोज किसके द्वारा की गई। तो देखिए, कैपिटल जी का खोज न्यूटन ने किया था और उन्हीं के नाम पर ये न्यूटन ने गति का भी नियम दिया था। ठीक, तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। हेनरी कैवेंडिश ने किसका खोज किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था और इन्हीं ने कैपिटल जी के खोज की। देखिए, इसमें आइजक जो न्यूटन इस्माइल जी का खोज किए थे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जो है, कैपिटल जी के खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। लेकिन हेनरी कैवेंडिश ने किसका खोज किया था? और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का भी खोज किया था और कैपिटल जी का खोज किया था। अगर इस्माइल जी की बात किया जाता तो इस्माइल जी का मान, इस्माइल जी का खोज की बात करता तो न्यूटन हो जाता। ठीक, और लेवोसियो जो है रसायन के जन्मदाता कहे जाते हैं और जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद का खोज किया था। तो ये परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 54 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये सही है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये गलत है। बी नंबर कहता है अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं। लवण के साथ जल नहीं लिखा है तो मतलब लवण और जल ही बनाता है, ये भी सही है। डी कर रहा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। तो देखिए, अम्ल नीले लिटमस को लाल भी कर देता है, तो ये सही है। तो बी नंबर गलत है, जो कि पूछा था कौन गुण सही नहीं है, तो सही नहीं है तो ये बी वाला सही नहीं है। ठीक, ये ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है और नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल दिया जाता है। ठीक, और खेल के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन आप नोट करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है।
देखिए लोहे के ऊपर जस्ता की कोटिंग करना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, यानी जस्तीकरण कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर हथौड़ा उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पेशी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए उठाए हुए हथौड़े में और घेरे हुए पानी में, बांध से घिरे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक। तो इस आंसर पर डी हो जाएगा। और यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन का, कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे। तो अमर्त्य सेन को भारत का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 58 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जब आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सेलों की संख्या बढ़ जाती है, किसी की संख्या घट जाती है, कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, कि परमाणु का आकार कम होता है। तो देखिए ये आवर्त सारणी की बात किया गया है, तो इसमें देखिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, नीचे जाते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ जाती है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है, किताब पूरा पढ़ देंगे आपको कुछ नहीं याद रहता है, प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग फट फट खुलने लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कह रहा है कि मानव नरों में मूत्र एवं वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है, यानी एक ही रास्ता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं, कि डिम्बाहिनी कहते हैं, कि मूत्रवाहिनी कहते हैं, कि शुक्रवाहिका कहते हैं। तो देखिए 60 का राइट आंसर होने वाला है आपका मूत्र मार्ग, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुँह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है। मुँह का पीएच 5.5 से कम होगा तो सड़न होने लगती है, हमारे मुँह का पीएच 5.5 से 7.5 के बीच ही होना चाहिए, ठीक, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए मुंह में जो दांत होते हैं वो एनेमल से बने होते हैं, ठीक, और कैल्शियम की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है हड्डियों में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के टीवी कार्यक्रम में क्वांटिको में अपन कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है। आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, मलाइका अरोड़ा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका सी नंबर, प्रियंका चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक मैंने उभय धर्म होता है, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें, कौन एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। तो एक स्रोत प्रतिरोध में विभवांतर का कैपिटल वी का विभवांतर बनाया जाता है। समय टी में स्रोत द्वारा आपूर्ति की हुई ऊर्जा की मात्रा क्या होता है। देखिए ऊर्जा जो आप निकालते हैं तो वाट गुणे घंटा गुणे एम्पियर बटा 1000, ठीक। तो 8 वाट गुणे घंटा गुणे एम्पियर, तो इसे वोल्टेज को वी आई को पी बराबर वी आई होता है, तो पी बराबर वी आई होता है, इसको जब पी लिखेंगे तो वाट गुणे घंटा टाइम को घंटा कर सकते हैं, गुणे एम्पियर आई इसमें आई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वी आई टी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 64 का सी नंबर हो जाएगा, वी आई टी से आप ऊर्जा की मात्रा निकालते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, 65 कह रहा है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने तत्वों से मिलकर बनी थी। तो 5 तत्वों से मिलकर बनी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, ऊतक क्या होते हैं। तो ऊतक वे कोशिकाएं होते हैं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने में कार्य करने में भिन्न होती हैं, या वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने दोनों में भिन्न होती हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वो कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बंगाल का पहला वर्ष विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। उस टाइम तक लॉर्ड कर्जन था वायसराय, ठीक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 68 का रहा कि एक प्रकार मौके अलैंगिक प्रजनन का पहचान करना है। एक प्रकार के मौके अलैंगिक प्रजनन की पहचान जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, वो क्या कहलाते हैं। देखिए पत्ता जो है मक्का है, तो ये वनस्पति विज्ञान में आता है, तो ये वनस्पतिक प्रजनन कहलाएगा। था राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों का जीवन का वर्णन किया था। शशि थरूर, अनोस
ईरानी, विक्रम सर, नमिता गोखले। राइट आंसर हो जाएगा नमिता गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है तो किस कारण होता है? क्योंकि ये फार्मूला होता है V बराबर आई आर, यानी आई बराबर V बाई आर, तो इससे होता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, आपको फार्मूला याद होगा तो इससे होता है। ठीक, नेक्स्ट पर है कि भारत के उस किस उत्तर पूर्वी राज्य में 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की जाएगी? तो ये मेघालय में किया जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर पर है कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो ये ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध सेंट पीटर ये जो है मैड्रिड में है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड होती है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट 73 नंबर क्वेश्चन पर है। देखिए यहाँ सेकंड ये फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन शुरू होता है दूसरे तरीका। ठीक, इसमें कह रहा है कि एक मुस्लिम संत थे जो उसके जगह पर रहते थे जहाँ से फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। तो देखिए एक मुस्लिम संत शेख सलीम चिश्ती थे जिनके आशीर्वाद से हुमायूं का पुत्र अकबर की प्राप्ति हुई, यानी अकबर का जन्म हुआ, इसलिए अकबर के नाम में भी सलीम अकबर उसका नाम रखा गया। ठीक, तो ये वहीं पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी कराया गया था, तो आपका राइट आंसर डी हो जाए। चलिए नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, ये आपको मिट्टी के तेल में रखी जाती है और इसकी जो घनत्व होता है 0.97 होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि जयप्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, यह किस दिशा में हो जाती है? देखिए सघन से विरल में जाएगी, विरल में आसान काम करेगी तो दूर दूर भागेगा इधर उधर। ठीक, और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। देखिए ये एक रास्ता है, अगर मान लीजिए ये इधर सघन है, ये सघन है और ये विरल है, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक, और विरल से सघन जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, तो अभिलंब से दूर हो जाएगी यानी अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाएगी, ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर है कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा है, उनका कौन सा खेल है? नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलती हैं ये बताना है। 76 का आपने दिया हुआ है लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, चक्का फेंक, तो नीरज चोपड़ा कौन सी खेल खेलती है तो इसके हिसाब से आपको बताना है, आपने बता दिया मैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक, यानी भाला फेंक एक खेल है जो दौड़ करके फेंका जाता है, और गोला फेंक भी खेल है, ये ओलंपिक में इन्होंने पिछली बार पदक जीता था। ओजोन में एक कण में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक कण में 3 परमाणु होते हैं, क्योंकि ओजोन का फार्मूला होता है O3। ठीक, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ये नीले कलर का गैस होता है। ठीक, जब किसी संकुचित श्रीलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी जो गुरुदेव होता है बंदरों को डराने वाला, उसको पीछे खींच कर रखते हैं तो स्थिति ऊर्जा, उसको छोड़ते हैं तो गति ऊर्जा, इस प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79 कि भारत में ऋण समावेशन क्रेडिट इन्फ्लुजन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया? वो किया था SBI ने, राइट आंसर हो जाएगा SBI। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया, अब ये नहीं आया, उस टाइम पे एलिपिक क्वेश्चन में एग्जाम्स में आया हुआ था। रियो ओलंपिक 2016, अभी तक 2020 का ओलंपिक नहीं हुआ है, 2016 के ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा। पर रियो ओलंपिक 2016 में भारत के ध्वजवाहक कौन था? तो उस टाइम पे अभिनव बिंद्रा थे भारत के ध्वजवाहक। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी 2017 पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला था? वो मिला था अनुष्का शर्मा को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर। ये जानवरों को हेल्प करते हैं, इन्हें के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है डैट डैट खाली जगह है बहुत खंड कॉन्टिनेंट द्वारा उत्पन्न होता है क्या? तो बहुत खंडन द्वारा प्लेनेरिया उत्पन्न होता है, अब पढ़ाई का असर हो जाएगा ए नंबर। आप चाहो तो वीडियो को धीरे स्लो करके लिख भी सकते हैं या पॉज करके भी लिख सकते हैं। पर नेक्स्ट नंबर कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सहसंस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए, तो उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है अजय सिंह। कम लागत में इन्होंने एयर स्पेस खोल दिया था, यानी हवाई जहाज। नेक्स्ट 84 नंबर पर है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए में से किस गैस का प्रयोग होता है? तो उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, अभी आप चीज़ खाते हैं उसमें फसाई का मोहला लगा होता है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मोहला लगा होता है, उसके मानक अनुसार होगा तभी आप खा सकते हैं, उसमें सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से
कौन सी नहीं हो सकती है। देखिए साइकिल चलाते रहेंगे तो गति ऊर्जा, मतलब आपकी साइकिल बढ़ेगी तो गति निकलेगा, आप काम करेंगे तो उसमें ऊर्जा होगा, और जो दो सभी ऊर्जा होगा योग यात्री ऊर्जा होती है। इसमें रासायनिक ऊर्जा नहीं हो सकती क्योंकि आप साइकिल सवार कर रहे हैं तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसको बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उसने विलय कर लिया। तो प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की थी चिरंजीवी, जो कि साउथ के हीरो हैं, तो उन्होंने बाद में कांग्रेस में विलय कर लिया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 87 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में कौन पौधों से पोषण प्राप्त करता है। तो पौधों से पोषण कौन प्राप्त करता है, मलेरिया का परजीवी, जू बराबर फाइलम की कस्क्यूटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्क्यूटा। अब देखिए जू जो है, जू पेड़ पौधों पर रहता नहीं है, पेड़ पौधों पर रहता नहीं है, मनुष्य के शरीर में रहता है। तो आप लोग सही सही कमेंट में बताइए किसी किसी को बचपन में सर में जू पड़ा था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 88 का राइट में से कौन सा फूल केंद्र में मौजूद होता है, फूल के केंद्र में अंडक मौजूद होता है, फूल के केंद्र में अंडक मौजूद होता है। देखिए फूल के पुरुष भाग को पुरुष पुंकेसर कहते हैं, ठीक, और उसमें पंखुड़िया बाहरी होती है, बाह्य दल होता है बाहरी होती है, ठीक, और महिला भाग को जयांग कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 89 नंबर कि कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई। कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई, नमिता गोखले, सुदीप्ता दास, समित बसु, अनोस ईरानी। तो 89 का कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुदीप्ता दास। नेक्स्ट कह रहा है 90 नंबर कि दोषित वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है उसे क्या कहते हैं। तो वो गजरात होता है, अगर स्थिर है तो स्थिर रखने की कोशिश करेगा, गतिमान है तो गतिमान रखने की कोशिश करेगा। जड़त्व के कारण ही बस में यात्रा करते समय बस जब ब्रेक लगा देते तो नीचे कहीं सा रुक जाता है और आगे का हम झुक जाते हैं ऊपर से, ठीक। चलिए 91 नंबर देखिए 100 तक कराएंगे, आप नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट होना बहुत मुश्किल है। 92 का रहा है फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है, यह आपको प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा। देखिए फ्रीडम ट्रेल जो है किस शहर में मिलेगा ये पूछा गया आपसे, कनेक्टिकट, मेम्फिस, बोस्टन, डेनवर। तो ये आपको मिलेगा बोस्टन के शहर में मिलेगा, अमेरिका का एक शहर है बोस्टन, प्रसिद्ध शहर है, वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं कि 16 दिसंबर 1776 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में वहाँ पर विरोध हुआ था, तो ये इस शहर में हुआ था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो संभावित धारा वोल्टेज स्थिर रहता है, तो क्या होगा, तो वोल्टेज स्थिर रहेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। देखिए वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और डायरेक्टली हटता है तो आर आई हो जाता है, तो वी इक्वल टू आर आई, तो आई इक्वल टू हो जाता है वी अपन आर। तो देखिए अब ये स्थिर हो गया तो इसको छोड़ दीजिए, तो ये बढ़ेगा धारा तो इसका होगा प्रतिरोध घटेगा, जब ये नीचे वाला बढ़ता है तो ऊपर वाला घटता है, मतलब ऐसे उल्टा होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हमने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध कम होता है, यानी ए नंबर हो जाएगा 93 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और 6 क्वेश्चन है, ये ध्वनि में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है, तो इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है, तो अशांति द्वारा यानी ध्वनि द्वारा, ठीक। सूरज तो यात्रा करेगा नहीं, तो ध्वनि एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी तय करती है, तो ये अशांति द्वारा तय देते हैं, ध्वनि द्वारा, ध्वनि को अशांति कहते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों को बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये आपके आखिरी गैस हैं, ये 6 होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फूलों वाले पौधों में पत्तियों का मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं, फूलों वाले किस पौधे के पत्तियों में मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं, गुलाब के फूल, ब्रायोफाइलम, केला, ब्रायोफाइटर। तो इसका 96 का राइट आंसर होने वाला है आपका राइट आंसर, आप जल्दी से कमेंट में बताइए 96 का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट 97 का रहा है कि रासायनिक गुणों में से मेंडलिफ ने कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किए थे मेंडलिफ, और यह मेंडलिफ के आवास सारणी में जो है इनके लिए कोई फिक्स स्थान नहीं था, इसलिए मोसले ने आधुनिक आवास सारणी का निर्माण किया। चलिए अब वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 2-3, तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से कौन किस संस्था की स्थापना की गई, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती संस्था की स्थापना किया गया था।
नेक्स्ट है 99 के अलग दिशा में सबसे उपयुक्त विकल्प है ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक, आवृत्ति से ही तरत्व का पता चलता है, पतला मोटा बोलने का आवाज़ का पता चलता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कह रहा है कि किस डट वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और संस्तंभ होते हैं, क्या किस धर्म होते हैं, तो ये बौद्ध धर्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे लगे होंगे और मैं ऐसे डेली दो वीडियो लेकर आऊँगा, एक सुबह अपलोड करूँगा एक शाम को, या तो आप लाइव भी टेस्ट मार सकते हैं, कभी हो सकता है लाइव भी व्यवस्था कर रहे हैं तो लाइव भी आएंगे। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।